राजस्थान कांग्रेस के दो सीनियर मोस्ट नेताओं के बीच अदावत खुलकर सामने आई हुई है पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने जहां अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है तो वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी पायलट पर बार बार निशाना साधने से नहीं चूक रहे हैं इधर कांग्रेस आला कमान भी दोनों नेताओं के बीच जारी खींचतान में ज्यादा कुछ करती नहीं दिख रही है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुरुवार को एक कार्यक्रम के दौरान दिए संबोधन में एक बार फिर सचिन पायलट को

गौरतलब है कि सचिन पायलट ने जिन मांगों को लेकर सरकार को पंद्रह दिन का अल्टीमेटम दे रखा है उसमें एक मांग यह भी है सीएम गहलोत के पायलट को लेकर नाराजगी समय समय पर झलकती रही है अब तक वे कई बार ऐसे शब्द बाण छोड़ चुके हैं जो सुर्खियां बन रहे हैं इसमें निकम्बा नकारा वायरस गद्दार शब्द शामिल है मुख्यमंत्री ने पूर्व सीएम वसुंधरा राजे पर भी निशाना साधा उन्होंने कहा कि पूर्व रती सरकार ने हमारी तत्कालीन सरकार के सारे विकास कार्य बंद कर दिए हैं हाउसिंग बोर्ड और रोडवेज बंद करने की बात हुई और तीन विश्वविद्यालय बंद कर दिए उत्तराखंड त्रासदी में जो मर गए थे उन्हें हमने अनुकंपा नियुक्ति दी थी उनकी नौकरियां तक छीन ली ग्रामीण बस सेवा बंद कर दी राजस्थान व मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर शुक्रवार व शनिवार को होने वाली कांग्रेस की बैठकें स्थगित कर दी गई हैं नई तारीखें जल्द ही तय होंगी दरअसल कर्नाटक जीत के बाद कांग्रेस अन्य राज्यों के विधानसभा चुनावों की तैयारियों में जुट गई है इसके तहत शुक्रवार को राजस्थान व मध्य प्रदेश तथा शनिवार को छत्तीसगढ़ तेलंगाना व मिजोरम को लेकर यह बैठकें होने वाली थी जो स्थगित हो गई हैं सूत्रों ने बताया है कि शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को नौ साल पूरे हो रहे हैं कांग्रेस इस पर विरोध व्यक्त करेगी ऐसे में पार्टी ने अपने अंदरूनी विवादों के बजाय भाजपा पर आक्रमण करने की रणनीति बनाई है पार्टी के महासचिव जयराम रमेश इसको लेकर पत्रकार वार्ता भी करेंगे राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर रंधावा ने गुरुवार को दावा किया कि कांग्रेस में अंदरूनी झगड़ों को हम कंट्रोल कर लेंगे रंधावा ने सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत करते हुए गहलोत और पायलट के बीच खेमेबाजी को लेकर कहा कि जिस पार्टी और घर में कुछ होता है तो लड़ाई भी वही होती है यदि कहीं कुछ होगा ही नहीं तो वहां लड़ाई क्या होगी पूर्व उप मुख्यमंत्री पायलट के पंद्रह दिन के अल्टीमेटम पर रंधावा ने जवाब दिया कि उन्होंने कांग्रेस या हाईकमान को कोई अल्टीमेटम नहीं दिया है और जिसे अल्टीमेटम दिया है इसका जवाब भी वहीं दे सकते हैं पायलट यदि मुझे या कांग्रेस हाईकमान को अल्टीमेटम दे तो मैं जवाब दे देता गौरतलब है कि पायलट ने ग्यारह से पंद्रह मई तक अजमेर से जयपुर तक पदयात्रा निकाली थी और समापन पर अपनी तीन मांगों को लेकर पंद्रह दिन का अल्टीमेटम भी दिया था